नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गृह सचिव अजय भल्ला का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें हिट एंड रन केस पर अभी नया कानून लागू नहीं होगा, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है। केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ड्राइवरों से अब अपील है कि हड़ताली ड्राइवर काम पर वापस लौट जाएं। 10 साल की सजा और जुर्माना अभी लागू नहीं होगा, यानी हिट एंड रन केस में जो कानून नए बनाए गए थे अभी उसका पालन नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ ही अब अपील की जा रही है सभी हड़ताली ड्राइवर से कि वो वापस काम पर लौट आएं। चर्चा के बाद फैसला इस पर लिया जाएगा। गृह सचिव की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, तो दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गृह सचिव अजय भल्ला का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 10 साल की सजा और जुर्माने वाले जो कानून है वो अभी लागू नहीं होगा, चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। यहाँ पर ये बैठ के आपस में तय हुआ है लिखित रूप में कि 106(2) को लागू नहीं किया जाएगा। वैसे भी अभी वो लागू नहीं हुआ था और ये आगे भी लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी जो ज्वाइंट कमेटी बनी है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की और गृह मंत्रालय की, वो बैठ के इस पर पूरी चर्चा और उसका विस्तार में इसके प्रो और कॉन्स नहीं समझ लेते, इनको लागू नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब था कि जो मसला था, जो अफवाहें थी, वो भल्ला साहब ने खुद स्टेटमेंट दी है पूरी कि ये पहले भी अभी लागू नहीं किया गया था और आगे भी अभी लागू नहीं किया जाएगा जब तक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इसमें। अब एक लाइन में और मैं स्पष्ट रूप से आपसे चाहता हूं कि कई आपके एसोसिएशन के जो अलग अलग ट्रक ड्राइवर सब लोग हड़ताल पे हैं जी, उसके वापसी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने अपील कर दी है, आपके मीडिया के माध्यम से भी अपील जा चुकी है, हमारी सोशल मीडिया पे भी जाएगी, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स बने हुए हैं, पूरा कम्युनिकेशन है, पूरे इंडिया की ट्रांसपोर्ट पे कंट्रोल है। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नव नियुक्त शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र दिया जाना है जिसको लेकर गांधी मैदान में एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें गांधी मैदान में 25,000 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे जिसमें सीएम नीतीश कुमार मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सभी नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। सभी जिलों में भी इसको लेकर समारोह किया जाएगा। खरमास में ही नियुक्ति पत्र सरकार देगी। कुल 1,22,000 पदों पर दूसरे फेज की बहाली निकली थी। शिक्षा विभाग ने सभी डीओ को तैयारी का निर्देश दे दिया है। आरजेडी सांसद मनोज झा के ईडी के सक्रिय होने वाले बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि मनोज झा जी ने कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ईडी सबसे पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय थी, अब वहां चुनाव खत्म हो गया है, दूसरे राज्यों में सक्रिय हो रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इसमें एजेंसियों की गलती नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार से उन पर काफी दबाव है। ईडी काफी सक्रिय हो गई है। मनोज झा जी ने कहा कि 22 जनवरी तक ईडी सक्रिय रहेगी। केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन को, सबको नोटिस। ठीक ही बोले जो बोले हैं, तो उसमें गलत क्या बोले हैं? इससे पहले मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ में था, राजस्थान में था, अब जब वहां खत्म हो गया है चुनाव तो इन राज्यों में तो आएगी। तो ये बात तो हम बहुत पहले से भी बोले। खैर, इसमें उन लोगों का क्या गलती है, एजेंसियों की क्या गलती है, दबाव इतना है, लेकिन फिर भी उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो रूटीन हो गया है ना अब तो।
लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। सभी पार्टियों के नेता जोर आजमाइश में अभी से जुटे हुए हैं। बीजेपी को शिकस्त देने का दावा विपक्षी गठबंधन एनडीए अलायंस की ओर से लगातार किया जा रहा है। विपक्ष अभी बैठकें ही कर रहा है, पर बीजेपी अपने विरोधियों से आगे निकलते हुए रैलियों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी बिहार के लिए बेहद अलग रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने बिहार को 10 क्लस्टर में बांटा है। जनवरी और फरवरी महीने में बीजेपी की 10 बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार में अलग अलग सभाएं करेंगे। मतलब नए साल की शुरुआत के साथ ही बीजेपी बेहद आक्रामक अंदाज में सियासी अखाड़े में कूदने जा रही है, वो भी बिहार से। वैसे लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नारा भी लगभग तय हो चुका है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में विरोधियों के खिलाफ ताल ठोकने जा रही है। और विपक्षी एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को बड़ी भूमिका देने की तैयारी क्या सचमुच हो रही है? सियासी हलके में चर्चाएं तेज है कि नीतीश कुमार को एनडीए अलायंस के संयोजक बनाए जा सकते हैं। खुद कांग्रेस इसका प्रस्ताव जल्दी बैठक के जरिए लाने वाली है। अब नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर जेडीयू के नेताओं का मनोबल काफी बढ़ गया है और बड़ी जीत का दावा भी किया जा रहा है। आखिर क्यों चर्चा है कि नीतीश कुछ करने वाले हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। खबर है कि नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में अहम भूमिका मिल सकती है। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। गठबंधन की बैठक में जल्द ही नीतीश को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसी चर्चाएं काफी तेज है। कांग्रेस की ओर से इंडिया अलायंस के संयोजक पद पर नीतीश को बिठाने की तैयारी की बात हो रही है। फैसला अहम इसलिए क्योंकि पहले नीतीश की नाराजगी की खबर थी, पर अब उन्हें मनाया जा सकता है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की खबर पर जेडीयू के नेता एक सुर में कहते हैं कि नीतीश कुमार बिना संयोजक बने ही गठबंधन के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य अलायंस को मजबूत करना है। वैसे जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर बात बनने और विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का दावा जरूर किया जा रहा है। बिना कन्वीनर बने, बिना जिम्मेदारी के वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के सभी प्रयासों में निरंतर लगे रहते हैं। ये उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि थर्ड फ्रंट को डिमोलिश करके उन्होंने फर्स्ट फ्रंट बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ना जानकारी है, कोई इस प्रकार की मीटिंग होती है, कोई इस प्रकार का फैसला होता है, उसके बाद ही किसी प्रतिक्रिया को देना ठीक होगा। कि किसी भी गठबंधन की सफलता की अंतिम परिणति होती है सीटों के सफल बंटवारे से। अगर सीटों का बंटवारा सफलता से हो जाए, समझिए गठबंधन पुख्ता और मजबूत हो गया। कोई आइडिया भी नहीं, इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है सर, पूरा एब्सोल्युटली पूरा इंटैक्ट है इंडिया ब्लॉक। बिहार में तो बिल्कुल मजबूती से हम लोग 2024 में महागठबंधन बिहार स्वीप करेंगे। इंडी गठबंधन की अब तक की बैठकों में नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की खूब चर्चा हुई थी, पर अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस के संयोजक बनाए जाने की बात हो रही है, और ऐसे में सवाल यही कि चर्चा क्यों हो रही है कि नीतीश कुछ करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नए साल में तीन भविष्यवाणी की है। जेडीयू में बड़ी टूट के साथ ही नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के अलावा सुशील मोदी ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है। सुशील मोदी की अब तक की ज्यादातर भविष्यवाणी सही साबित हुई है। ऐसे में नए साल में सुशील मोदी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे पोस्ट पर सियासी घमासान मच गया है। आखिर क्यों सुशील मोदी के दावे पर हो रहा है सियासत, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक बार फिर बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। एक नहीं, इस बार सुशील मोदी ने तीन तीन भविष्यवाणी की है।
अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर इस साल नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने का दावा किया। इसके साथ ही नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने और उनकी पार्टी जेडीयू में बड़ी टूट का भी दावा किया है। सुशील मोदी की भविष्यवाणी को लेकर सियासी पारा एकदम से गर्मा गया है। वैसे दो दिन पहले ही सुशील मोदी ने जेडीयू में टूट को लेकर अपने ट्वीट में लिखी तीन में से दो भविष्यवाणी बता दी थी। वो बयान भी सुन लीजिए। नए वर्ष के अंदर मैं दो भविष्यवाणी करता हूँ, एक तो जेडीयू का टूटना तय है और दूसरा नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पर वो बने नहीं रहेंगे। तो मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे नीतीश कुमार और जेडीयू का टूटना, ये दो चीजें 2024 के अंदर होने जा रही है। सुशील मोदी की भविष्यवाणी को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी नेता हाल में जेडीयू में उपजे हालात का हवाला देकर सुशील मोदी की बातों को सही ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सुशील मोदी जी, हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, लगातार यदि कह रहे हैं कि पार्टी टूट के कगार पर है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि ललन जी आज भी अपने बदले की भावना में कार्य कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं होगा जब जदयू से विधायक गण टूट कर, सांसद गण टूट कर वो जदयू राष्ट्रीय जनता दल में वो विलय करेंगे और वो जदयू को पूरी तरीके से तोड़ लेंगे। इधर बीजेपी के दावों को महागठबंधन के नेता हवा हवाई बताते हुए बीजेपी को ही पार्टी बचाने की नसीहत दे रहे हैं। सुशील मोदी के बयानों की फेहरिस्त अगर देखें तो उसमें 90% यही मिलेगी आपको कि कभी राजद में टूट हो रहा है, कभी जदयू में टूट हो रहा है, तो कभी कांग्रेस में टूट हो रहा है। दरअसल कुछ ही दिनों के बाद अब वो बेरोजगार होने वाले हैं, उन्हें दोबारा दिल्ली देखने का अवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए वो बहुत परेशान है। कहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, भाजपा में अगर कुछ हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आदरणीय सुशील मोदी जी रोज एक ही कैसेट बजा रहे हैं। दरअसल आदरणीय सुशील मोदी जी का सपना तो टूट गया बिहार में, तो अब वो जेडीयू को टूटने की बात कर रहे हैं। बीजेपी अपनी पार्टी बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो कुछ बोलेंगे नहीं, अपने आका को खुश नहीं करेंगे कि जेडीयू टूट रहा है तो जेडीयू में से लोग भाग रहे हैं। पहले ये तो बताएं कि कल एक अन्य मार्ग में, कल नया साल था, कितने एक दर्जन नेता अन्य मार्ग में दर्शन आए, पहले अपने पार्टी को तो बचाए। सुशील मोदी ने ललन सिंह को लेकर जो दावे किए थे वो पूरी तरह सच साबित हुए। सुशील मोदी साफ कह रहे थे कि जेडीयू कार्यकारिणी की 29 दिसंबर की बैठक से पहले ललन सिंह इस्तीफा दे चुके होंगे और ऐसा ही हुआ। ललन सिंह पद से हटा दिए गए। जेडीयू की कमान अब फिर से नीतीश कुमार के हाथ में चली गई है। पर नए साल में जिस तरह से सुशील मोदी ने तीन भविष्यवाणी कर डाली है उसे लेकर सियासत इसलिए भी गर्म है क्योंकि सुशील मोदी के दावे पहले सच साबित होते रहे हैं। वैसे सियासत में कब क्या हो जाए ये खुद पार्टियों के नेताओं को भी नहीं मालूम होता। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने की चर्चा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये सब लालू प्रसाद की माया और मकरजाल है जिसमें नीतीश कुमार फंसे हुए हैं। लालू प्रसाद को अपने बेटे को सीएम बनाना है और उन्हें लगता है कि संयोजक नहीं बनाया तो नीतीश कुमार भाग जाएंगे और इसलिए लालू प्रसाद सोनिया गांधी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार की पार्टी को भी तोड़ने में लगे हैं। ये लालू यादव का मकरजाल है, ये मकरजाल है लालू यादव का। वो मकरजाल में नीतीश को फंसा करके रखना चाहते हैं। पहला उनका प्रयोग है कि किसी ढंग से इसको संयोजक बना दें जो हमारे गठबंधन में रहे और बेटा को मुख्यमंत्री बना दे, यही मकरजाल है। आजकल एक महीना से किसी मंच पर बोल नहीं रहे हैं, तो क्या बिना बोले गठबंधन का रहेंगे सब जगह जाकर के? इसलिए कोई बनाए उनाएगा नहीं, ये लालू यादव का मकरजाल है। तब तक वो तैयार करेंगे कैसे इनकी पार्टी को तोड़ करके, नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करके।
अयोध्या के बाबरी ढांचे और दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद के बारे में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ओवैसी की राय देश के सारे मुसलमानों की राय नहीं हो सकती और हिंदुस्तान में कोई भी मस्जिद खतरे में नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं। ओवैसी साहब, हम लोग भी पार्लियामेंट 3 बार जीत कर आए, हम दावा नहीं करते कि हम मुसलमानों के नेता हैं। आप भी ये दावा मत कीजिए। और उनके बयान को मीडिया इस तरह लेता है जैसे पूरे मुसलमानों की राय। असदुद्दीन ओवैसी की राय पूरे मुसलमानों की राय नहीं हो सकती। और ये जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं कि सारी मस्जिदें खतरे में हैं, ओवैसी साहब लिस्ट भेज दें मुझे कहां खतरे में। हिंदुस्तान में कोई भी मस्जिद खतरे में नहीं है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, घर में घुसकर फायरिंग की गई है, बुजुर्ग दंपति पर गोली चलाई गई है जिसमें व्यक्ति को गोली लगी है। डॉक्टर ने DMCH रेफर कर दिया है। दोनों पर गोली चलाने का आरोप वहां पर ही मौजूद अपराधियों पर लगा है और पुलिस ने एक खोखा मौके से बरामद किया है। दुधपुरा जेल चौक के निकट की घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 2 की संख्या में अपराधी घर में घुसते हैं और गोलीबारी की वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर सहरसा से है, जहां शराब की तलाश में गई पुलिस ने एक बच्चे की बर्बरता से पिटाई कर दी। घटना सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस की एक टीम शराब की खोज में गई हुई थी और इस दौरान किसी ने एक बच्चे को पूर्व मुखिया प्रत्याशी मुकेश शाह को फोन कर इसकी जानकारी देने को कहा था। जब बच्चा मुकेश शाह को फोन कर रहा था तभी पुलिस ने उसे देख लिया और बच्चे की बर्बरता से पिटाई कर दी जिससे बच्चा बेहोश हो गया। पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया था। बाद में अस्पताल में जब बच्चे को होश आया तो पता चला कि पुलिस ने मुखिया प्रत्याशी की भी पिटाई के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वहां कोई शराब नहीं मिली थी, सिर्फ घर के पीछे शराब की एक खाली बोतल मिली थी। पूरे मामले में SP ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो हम पढ़ाई कर रहे थे तो महिला उला मेरे गांव का बोली क्या मुकेश मुखिया को कॉल लगा, हम उसी को कॉल लगा रहे थे तो वह वर्षा को। किसके घर पर पुलिस आया था? मुकेश मुखिया जी घर। महिला सब बोला तुमको फोन लगाओ? हाँ, तो कॉल लगा रहे थे तो वर्षा कुमारी देख लिया तो हमको पकड़ लिया, हमको मारने लगा, मेरा मोबाइल भी छीन लिया। कहाँ मारा? यहाँ पे देखिए, हाथ पे मारा है और यहाँ पर और पीठ पे मारा है और जांग पे मारा है पैर में। सर, एक मामला सोनवर्षा कचहरी से सामने आया है, क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई करना है? जो सोनवर्षा कचहरी में एक व्यक्ति को एक ने आरोप लगाया है कि वहाँ के थाना के द्वारा उनको पीटा गया है, तो इस संबंध में SDPO सदर को जांच दिया गया और जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सहरसा में शराब की तलाशी के दौरान पुलिस की बर्बरता पर सियासत शुरू हो गई है। छातापुर से बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने सदर अस्पताल में जाकर पीड़ित से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली है। पीड़ित से मुलाकात के बाद नीरज कुमार बबलू ने सहरसा पुलिस पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली और शराब के खिलाफ अभियान के नाम पर सिर्फ वसूली में लिप्त रहने का आरोप लगाया। वही गोपालगंज में पुलिस टीम पर हमला मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। दरअसल सोमवार को मीरगंज थाना क्षेत्र के सबैया दलित बस्ती में दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना पाकर पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया गया था जिसमें अपर थाना अध्यक्ष आशीष कुमार और सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार घायल हो गए थे। बात कर लिया था, पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची थी और मामले को सुलझाने का प्रयास किया
तो उसी समय कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें हमारे दो पदाधिकारी घायल हो गए थे। और जैसे ही सूचना मिली, तत्काल अतिरिक्त बल को भेजा गया और उसमें से कुल हम लोगों ने चिन्हित कर 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। नए साल के पहले दिन मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन कई श्रद्धालुओं को इस मंदिर में नए साल के मौके पर अपने चेन और जेवर गंवाने पड़े, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ में महिलाओं का एक चेन स्नेचर गिरोह भी घुसा था, जो महिलाओं के जेवर पर हाथ साफ कर रही थी। भीड़ में एक महिला से चेन छिनतई के बाद पुलिस ने जब तीन महिलाओं को पकड़ा तो उनके पास से सोने की कई चेन बरामद हुई, जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि गैंग की सभी महिलाएं गोरखपुर से आई थी। हैरानी की बात है कि ये गैंग, कई ऐसी महिलाएं इस गैंग में शामिल हैं जो माँ बेटी है, और चेन स्नेचिंग के इस अपराध में तीन पीढ़ियां शामिल हैं। पुलिस इस गिरोह के 11 महिला सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जो है आया था गोरखपुर से, और गोरखपुर से ट्रेन से मुजफ्फरपुर आया और गरीबनाथ मंदिर में जाकर चैन छिनताई की घटना को किया। सभी 11 लोगों पे 1000 दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। उसमें आपस में एक माँ बेटी भी है और उसकी भी बेटी है, मतलब कि पुश्तैनी इनका धंधा है ये। और संसाधन के नाम पर बिहार के सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन शव वाहन मिलने के बाद भी अगर अस्पतालों को शव वाहन मुहैया नहीं कराई जाए तो इस लापरवाही को समझा जा सकता है। पटना में कुछ ऐसी ही लापरवाही सामने आई, जहां सांसद निधि से दिए गए शव वाहन महीनों से धूल फांक रहे हैं, वो भी एक नहीं बल्कि 6 शव वाहन महीनों से गर्दनी बाग अस्पताल और सिविल सर्जन कार्यालय में खुलने का इंतजार कर रहा है। ये सभी गाड़ियां सांसद रामकृपाल यादव ने अपने सांसद निधि से उपलब्ध कराई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।